नेहरू हिमालयन ब्लंडर्स किताब के लेखक जस्टिस एसएन अग्रवाल ने किताब के विमोचन के बाद बताया कि किसी तरीके से नेहरू की गलतियों का खामियाजा देश ने भुगता है। उसने श्वेत बिरला सेंट्रिक पॉलिसी बना दी, जिसने महाराजा हरि सिंह को भी अपना दुश्मन बना दिया और जिससे अपने हिंदू सिखों की लड़ाई हुई, पाकिस्तान को जगह मिल गई, पाकिस्तान योग्य बन गया, थाईलैंड का बंदे मर गए। अगर ये श्वेत बिरला सेंट्रिक पॉलिसी छोड़ देता सीधा चलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें आप करेंगी सिर्फ एक गलती नहीं, जैसा कि कहा जाता है कि जब तीन स्टेटों ने हिंदुस्तान के साथ आने से मना कर दिया, वो हैंडलिंग जो की वो गलत थी या उसके पहले भी गलतियां रही? पहले कोई गलती नहीं हुई। ये दो स्टेटें थी जो जूनागढ़ और हैदराबाद जी, ये महाराज सरदार पटेल ने हैंडल करी। सरदार पटेल ने इतने वाइज और स्ट्रेटजिक तरीके से करी, दे है अपने गोदों को बाहर पड़ना पड़ा, लेकिन कश्मीर में भी मैं अपने पास रखी बिना किसी बात। मैं सरदार पटेल को बताया था कि, तो सरदार पटेल ने लेटर लिखा है कि गोपाला स्वामी एंगल पर, अभी आपका पीए हमारे से भी बड़ा। जब उन्होंने ये लेटर लिखा तो नेहरू ने लेटर महात्मा गांधी को लिख दिया 6 जनवरी 1948 को कि देखो जी हमारी बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ है, हम इकट्ठे नहीं चल सकते, ये है वो है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो सरदार पटेल ने भी कापी थी, सरदार पटेल ने भी उसकी काफ़ी लेटर लिखा नेहरू को कि दी वे ही पास ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर, तो आप मेरा इस्तीफा मार लो ले लो, मैं नहीं। उसने फिर दो तीन बार गांधी जी से मिली, गांधी जी मान गए कि चलो ठीक है इस्तीफा मंजूर कर लो। जब महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को बताया कि मैं उसका इस्तीफा मंजूर कर रहा हूँ, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इट वुड बी मोस्ट अनवाइज स्टेप ऑफ योर लाइफ। नेहरू गांधी सरदार पटेल ठीक और फर्मली ऑन द ग्राउंड वाई नेहरू दिस टाइम, मतलब अगर इन्हें महकमा कश्मीर का सरदार पटेल के हवाले होता तो अगर आप 45 चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें मैंने ये सारा डिस्कस करा दिया। नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र करा, जब ये 370 लगवाई ना तो उस वक्त नेहरू हिमसेल्फ वाज अब्रॉड, सरदार पटेल वाज देयर। तो इन्होंने क्या करा, जब गोपाला स्वामी अयंगर ने 370 आर्टिकल मूव करी तो लोग उसके गल पड़ गए, तो सरदार पटेल के पास भागे भाग आया, वो भी जनाब मैं इनको बचाऊँगे। देखो तो सरदार पटेल ने कहा ये नेहरू का प्रोजेक्ट है, अब इसके क्या करेंगे, तो उसने पास करवा। धारा के जो गंदे केम बैक हूँ उसका वीर शंकर सेक्रेटरी था, वो गुस्से हो गया सरदार पटेल से, उसने सरदार पटेल ने मैसेज भेजा भी आओ लंच करें, मैं नहीं आना कर। फिर सरदार पटेल ने अपनी लड़की मणिबेन पटेल ने भेजा बुला के लिया, मणिबेन पटेल ने उसने बुलाया, वो अंदर आ गया तो चुप करके बैठ गया। फिर सरदार पटेल उसने पूछता है कि मैंने गुस्से कहना यस मैं गुस्से, कहते आप शुरू से आर्टिकल 370 अपोज कर रहे थे और आज आपने 370 वो कर दिया। तो सरदार पटेल ने किया ये प्रोजेक्ट नेहरू का सर, मैं इसका कुछ करूँ तो आप इतने हिंदा मैं डट के अपोज कर रहा। तो वी शंकर ने पूछा कि 370 खत्म कब होएगी, तो सरदार पटेल ने कहते हैं इफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द गट्स, इफ वी डू नॉट वी आर नॉट एबल वी डू नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट एज अ नेशन। तो मैंने 45 चैप्टर में यही लिखा कि मोदी साहब हैज अप्रूव्ड आर्टिकल 370, ही हैज प्रूव्ड दैट द गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथ, ही हैज प्रूव्ड दैट द गवर्नमेंट हैज गट्स, ही हैज प्रूव्ड दैट वी आर डिजर्व टू एग्जिस्ट एज अ नेशन। टाइम ने कहा देखो जी हमने कौन सा इलेक्शन लड़ने हैं, ना ही हमारे को इलेक्शनों का चाव है, और हमने तो जो हमारे को मटीरियल फीड करा हमने वो मटीरियल आ गया। अब मेन इलेक्शन के लिए भी कर सकता था, मैं लोकसभा के इलेक्शन टाइम पे भी कर सकता था, उससे पहले हरियाणा के इलेक्शन तब भी कर सकता था। आई कुडंट कम्प्लीट दी बुक तब देते दी बुक वॉज कम्प्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11/10/2009 When I presented the book to Acharya Sudhanshu ji Maharaj, jo mere guru. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.